दोस्तों नमस्कार, मंजू किचन में स्वागत है। आज हम बनाएंगे चने की दाल से लड्डू। तो हमने यहाँ पे करीब मेजरमेंट से एक कटोरी हमने यहाँ पे दाल ले लिया था। तो यहाँ इसको ओवरनाइट 3 से 4 घंटे हमने भिगो के रख दिया था। हमारे दाल ये देखिए बहुत अच्छे से फूल गए हैं, तो इसे हम पीस लेते हैं। पहले मैंने मिक्सर लिया है, तो यहाँ पे दाल को डाल देंगे हम। यहाँ पे हम थोड़ा सा पानी यही यूज करेंगे, इसको हम ज्यादा पानी नहीं है, हमें पीस के इसको तैयार कर लेना है। यहाँ पे देखिए हमने दाल पीस के तैयार कर लिया है। आपको ऐसे ही दाल पीसना है, बहुत ज्यादा पानी नहीं डालना है। ये देखिए जिससे पकौड़े बनाते हैं उससे थोड़ा सा गाढ़ा है। तो इसे हमने तलने के लिए पैन में तेल डाल दिया है। अब इसे हम फ्राई करने के लिए यहाँ पे देखिए आप कोई भी शेप डाल सकते हैं। मैं यहाँ पकौड़े की शेप में यहाँ पे डाल रही हूँ। आप चाहें तो इसे बड़े के शेप में भी डाल सकते हैं, जैसे आपको सेब पसंद है। इसे तलना है क्रिस्पी होने तक बस। यहाँ पे देखिए आप पलट देते हैं इसे। इसे एकदम गोल्डन होने तक सेकना है हमें। पे देखिए हमारे गोल्डन हो चुके हैं, इसे हम निकाल लेते हैं। ये हमारे सिक चुके हैं। यहाँ पे देखिए इसी तरह हम अपने बचे हुए बैटर को दोबारा से कर लेते हैं। इस तरह पतला बनाने से क्या होता है, जल्दी पक जाते हैं, इसलिए मैं ऐसे बना रही हूँ। यहाँ पे देखिए हमने सारे पकौड़े तल के तैयार कर लिए हैं। इसे हम ठंडे होने बाद इसे तोड़ लेते हैं, उसके बाद आगे प्रोसेस में आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए जितना हमने चना डाल लिया था उतना हमने चीनी लिया है। इसको हम पैन में डाल देते हैं। इसमें 1 गिलास के करीब पानी डाल देते हैं। इसकी हमें चाशनी बनानी है। यहाँ पे हम इसको चाशनी बना लेते हैं। तब तक इसको हम जो हमने ये तला था इसको हम पीस लेते हैं मिक्सर जार में। यहाँ पे देखिए हमारी चीनी घुल चुकी है, इसमें हम थोड़ा सा कलर डाल रहे हैं। आप चाहे तो सादा बना सकते हैं, हमें वीडियो में दिखाना होता है इसलिए हम कलर डाल रहे हैं। यहाँ पे हमने देखिए चने को पीस लिया है, यहाँ पे निकाल लेते हैं। हमने सारे पीस के अपने तैयार कर लिए हैं। देखिए लग रहे हैं ना बूंदी जैसे। यहाँ पे देखिए लड्डू की चाशनी हमारी, हमें कोई तार वार नहीं बनाना है, बल्कि हल्की सी चिपचिपी चाशनी बनानी है। ये देखिए हल्की सी चिपचिपी चाशनी हमारी तैयार है। हम इसमें अपना लड्डू का जो हमने पीस के तैयार किया डाल देते हैं। इसे अच्छे से मिला लेते हैं। एक बैग नहीं मिलाएंगे हम, थोड़ा थोड़ा करके डाल रहे हैं। यहाँ पे देखिए अच्छे से हमने मिला लिया है। अब इसे हम अच्छे से
दो मिनट और चलाएंगे ताकि अच्छे से हमारा पानी सूख जाए। आप लोग रक्षाबंधन पे जरूर ये लड्डू बना के खाइए, घर के लड्डू बने अच्छे लगते हैं और कम दाम में भी तैयार हो जाएंगे आपके। तो यहाँ पे अब इसे बंद कर देते हैं, इसे ठंडा होने के बाद इसे लड्डू का सेट देंगे हम। यहाँ पे देखिए हमारे मिक्सर ठंडा हो चुके हैं, तब इसके हम लड्डू बना लेते हैं। इसको हम यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है आपको, ये बहुत ही नरम लड्डू बने हैं। ये देखिए बस मैं इसे गोल गोल घुमा रही हूँ, ये देखिए हमारे लड्डू बनकर तैयार हैं। आप चाहें तो यहाँ पे खरबूज के बीज भी डाल सकते हैं, मैंने कुछ भी नहीं डाला है, एकदम मार्केट स्टाइल लड्डू हमने बनाया है, बिना मैंने कोई ड्राई फ्रूट्स नहीं इस्तेमाल किया है। तो आप लोग भी ज़रूर बना के खाइए। आप चाहें तो खरबूज के बीज डाल सकते हैं, यहाँ पे काजू बादाम भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं डाला है। यहाँ पे देखिए जैसे जैसे आप गोल गोल घुमाएंगे ये लड्डू आपका बहुत ही गोल शेप में बहुत ही शानदार लड्डू बनेगा। लग रहे हैं ना एकदम बूंदी के लड्डू। हम बाकी के लड्डू ऐसे शेप में बना लेते हैं, गोल शेप में। मुझे तो लड्डू सब ये प्यारा लग रहा है। यहाँ पे देखिए हमारे लड्डू कितने अच्छे, कितने सॉफ्ट, बिल्कुल मार्केट की स्टाइल में तैयार है बूंदी के लड्डू। हमने यहाँ पे कोई झारा नहीं इस्तेमाल किया है, ना ही कोई बूंदी इस्तेमाल किया, फिर भी मोती जैसे गोल गोल बूंदी के तैयार हैं वो लड्डू। तो आप लोग ज़रूर बना के खाइए। तो हमने एक कटोरी चने दाल में हमारे लड्डू बनकर तैयार हैं। लड्डू की रेसिपी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों।